During this module, we are going to see the assessment of culturally diverse clients. As we see that because of the cultural differences, the clients could be different on the basis of, you know, uh, their age, their religion, sexuality, ethnicity, gender, disability, or any other basis. But one of the important uh, professional tasks of a psychologist is ke wo in sab ke basis ke upar apne clients very difficult basis So where comes ऑल ऑफ दिज थिंगस और वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है तो वो कल्चरली बाइस असेसमेंट होगी सो वी हैव टू सी के एक न्यूटल और फेयर और कल्चरली ओपन जो है अससमेंट वो एक साइकोलॉजिस्ट करे फॉर दिस पर्पज साइकोलॉजिस्ट नीड टू डिवेलप द कल्चरल कॉम्पिटेंस फॉर दसेसमेंट ऑफ द क्लाइंट्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द क्लाइंट्स तो जब तक कल्चरल uh, कल्चरल कॉम्पिटेंस नहीं आएगी उस वक्त तक इन सारी चीज़ों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अवॉइड नहीं की जा सकती तो नाउ लुकिंग इन टू वॉट इज़ कल्चरल कॉम्पिडेंस कल्चरल कॉम्फिडेंस इज़ कपेसिटी टू इंक्रीज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल डिफरेंसिज क्योंकि हर कल्चर दूसरे कल्चर से डिफरेंट होता है उनकी प्रैक्टिस डिफरेंट होती हैं उसके अंदर डिफरेंट तरह के बिहेवियर्स परफॉर्म हो रहे होते हैं डिफरेंट तरह के कस्टम्स हो रहे होते हैं तो उनकी जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उस वक़्त तक कल्चरल कॉम्फिडेंस डिवेलप नहीं होगी एक ट्रेडिशनल रिसर्च uh, जिसकी मैं ऑलरेडी भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ मार्गरेट मीट की रिसर्च जहाँ पर उसने कल्चरल कॉम्पिटेंस डेवलप करने के लिए उस एक स्पेसिफिक ट्राइब में रहना शुरू कर दिया वहाँ पे शादी की वहाँ पे अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और उसमें उसने एक कल्चरल कॉम्पिटेंस डेवलप करने के बाद चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस के ऊपर काम किया तो यू नो समाइम्स इट हैपन्स डेट द कल्चरल कॉम्पिटेंस कुड भी डिवेलप्ड इन डिफरेंट वेज़ या आप वहाँ रहते हैं उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद कल्चरल कॉम्पिटेंस जो है वो डिवेलप होती है देन एबिलिटी टू एक्नॉलेज कल्चरल एजम्पन एंड बायसेस एंड बिलीव मी दीज कल्चरल बायसेस आर डिफरेंट और ये हर जगह पर हमें नज़र आते हैं हर जगह पे हमें सुपरस्टिशन्स नज़र आती हैं हर जगह हमें डिफरेंट तरह की एजम्पन्स नज़र आती हैं तो उसको समझना एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इससे पहले कि वो असेसमेंट या थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन विलिंगनेस टू मेक चेंजेस इन थॉट एंड बिहेवियर ऑफ एड्रेस कल्चरल बायस अगर आप उस कल्चरल बायस से एज अ साइकोलॉजिस्ट खुद इतना ऑफेंड हो गए हैं कि आप उसके ऊपर डायलॉग ही नहीं कर सकते आप उसके ऊपर कोई कंसेंसस ही नहीं डेवलप कर सकते अपने क्लाइंट के साथ आपको लगता है कि ये तो इन प्रिंसिपल एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है क्योंकि बहुत सारी ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं जो साइकोलॉजिस्ट खुद उनसे अग्री नहीं कर रहे होते तो वहां पर पहले कंसेंसस डेवलप करना यस देयर इज अ डिफरेंस एंड दिस इज एक्सेप्टेबल टू देम उसके बाद असेसमेंट और थेरेपी का प्रोसेस शुरू करना कल्चरल कॉम्पिटेंस को डेवलप करना कहलाता है देन कल्चरल कॉम्पिटेंस इज नॉट अ स्टैटिक थिंग इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसीजर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड चेंज नॉट अ गोल टू बी अटेनड वंस ये ऐसा नहीं है कि हमने तीन घंटे का एक कोर्स पढ़ा और कल्चरल कॉम्पिटेंस डेवलप हो गई कल्चरल कॉम्पिटेंस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम एक किसी भी विच्चू की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो इंकलकेट होता है पीरियड ऑफ टाइम इसी तरह कल्चरल कॉम्पिटेंस भी हमारे अंदर डेवलप होती है विद लर्निंग विद प्रैक्टिस वाइल स्पेंडिंग द टाइम एंड थिंग्स लाइक दैट अ कल्चरल कॉम्पिटेंट प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट द and understanding of cultural differences in the treatment design implementation and evaluation so once we talk about the cultural competence हमें अपनी असेसमेंट के सारे डोमेन्स में कल्चरल कॉम्पिटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है लाइक like, इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन प्लान हो सकता है इसमें डायग्नोसिस हो सकता है इसमें एवेलुएशन हो सकती है अब कैसे डायग्नोसिस को डिफर करेगी कल्चरल कॉम्पिटेंस इसकी एक बहुत ब्रीफ़ सी एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं हम एक ड्रग डिपेंडेंस का केस देखते हैं ड्रगें डिपेंडेंस का जो केस है वो एक डी में डायग्नोज प्रॉब्लम है लेकिन अगर उसे हम एक मुस्लिम सोसाइटी के कल्चर में देखेंगे तो उसकी कॉनटेशन उसकी इम्प्लीकेशन और उसके जो ट्रीटमेंट के गोल्स और डायनामिक्स होंगे वो फ़र्क होंगे एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री जहाँ पर कुछ ड्रग्स लेना सोसाइटी में अलाउ है बाय लॉ सो वी नीड टू सी दैट कल्चरल कॉम्पिटेंस डिटर्मिन दैट वट एंड हाउ डिफरेंट प्रैक्टिस आर बींग डन कल्चरली कॉम्पिडेंट प्रोग्राम इज करैक्टराइज बाय नॉलेज ऑफ और सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ क्लाइंट जब तक आप एक क्लाइंट की फर्स्ट लैंग्वेज से नहीं रखते उस वक्त तक कल्चरल कॉम्पिटेंस भी डेवलप नहीं हो सकती साइकोलॉजिस्ट like इंग्लिश में बात कर रहा है और समझने वाला सराकी में समझ सकता है उसको उर्दू भी नहीं आती तो कैसे कल्चरली आप कॉम्प्रिहेंड करेंगे देन अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग द कल्चरल न्यूसेंस ऑफ द क्लाइंट पॉपुलेशन अगर आप उसकी प्रैक्टिस की रिस्पेक्ट ही नहीं करे जो वो कर रहा है और आप उसको डिस कर रहे हैं आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि अच्छा आपके कल्चर में ये प्रैक्टिस ऐसे होती हैं इट सीम्स टू बी वेरी इलॉजिकल तो आप उनको कैसे ट्रेनिंग देंगे कैसे उनकी असेसमेंट करेंगे कैसे उनकी काउंसलिंग करेंगे दैट वुड बिकम अ वेरी ट्रिवियल टास्क तो सबसे पहले ये कंसेंसस डेवलप करना कि कल्चरल डिफरेंसेस हैं और उनको एक्सेप्ट करके एक इंडिविजुअल काम करेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन इंक्लूजन ऑफ द क्लाइंट पॉपुलेशन इन प्रोग्राम पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग अब चूंकि कल्चरल डिफरेंसेस हैं आप ओवरकम करके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो जब तक क्लाइंट का कंसेंसिस नहीं होगा आप उसके लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते देन एम्प्लॉइंग ट्रीटमेंट मैथड्स दैट रिफ्लेक्ट द कल्चरल स्पेसिफिक वैल्यूज एंड ट्रीटमेंट नीड्स ऑफ द क्लाइंट जब भी हम कोई इंटरवेंशन कोई ट्रीटमेंट मैथड प्लान करेंगे तो वहाँ पर भी ये बहुत जरूरी है कि जो क्लाइंट्स हैं उनके कल्चरल बैकग्राउंड को जहन में रखते हुए इस तरह की इंटरवेंशन प्लान की जाए जो उनके लिए एक्सेप्टेबल हो और उनके लिए फ़िज़िबल हो तो दीज आर दिंग्स विच आर द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड वन नीड टू बी वेरी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट मेन वर्किंग विद कल्चरली डाइवर्स पॉपुलेशन